अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज एचटीएमएल में एक नया टॉपिक सीखेंगे हम, कॉल्ड एज लिस्ट्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये चीज़, ये जो लिस्ट्स के टैग्स हमारे पास है, ये तब काम आते हैं जब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्टिंग करनी हो। ठीक है, चाहे हमारी टेक्स्ट हो उसको लिस्टिंग, या इमेज हो उसको डिफरेंट लिस्ट्स में डिस्प्ले कराना हो ऑन आवर वेब पेज, ये तब काम आता है। ठीक है, तो वो है मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिस्ट। वन ऑफ द टाइप ऑफ लिस्ट इज अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने के लिए वी हैव अ टैग कॉल्ड एज यू एल, एंड देन वी हैव एल आई इन द टैग। ठीक है, वी हैव क्लोज बोथ द टैग्स एज वेल, राइट, क्लोज। तो अनऑर्डर का जो भी आइटम्स आएंगे वो यू एल के अंदर आ जाएंगे, और यू एल को फिर क्लोज करना होता है। इसमें जो आइटम्स आते हैं, लिस्ट आइटम, तो यू एल इज़ अनऑर्डर लिस्ट एंड एल आई इज़ लिस्ट आइटम। तो जो जितने भी हमारे पास आइटम होंगे, सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ सपोज बुक्स, तो वी विल से वी हैव अ मैथमेटिक्स, वन इज आवर मैथमेटिक्स। ठीक, ओके, देन वी कैन हैव अनदर एज सपोज फिजिक्स, कैन हैव अनदर एज सपोज टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ हमारे पास एक और लिस्ट, एक और भी हो सकता है, सपोज वी हैव अ बुक ऑफ प्रोग्रामिंग। हियर, यहाँ पे हमें नोट्स करना कि जो भी हमें लिस्ट आइटम्स करने हैं वो एल आईज में लिखने हैं। ठीक है, एल आई, और जब एक आइटम हम ख़त्म करते हैं तो वो एल आई उसका लिस्ट आइटम वो क्लोज करना होता है, वो वाला टैग क्लोज करना होता है। ठीक है, फिर जितने भी हमें लिखने हैं उतने हम लिख सकते हैं। ठीक है, एट द एंड यू एल का जो टैग है वो क्लोज हो गया, यानी कि सारी लिस्ट जो है, आइटम जो है, वे यू एल के टैग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले करने की कोशिश करें, तो वी गॉट हेयर गॉट मैथ्स फिजिक्स टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर हमें लिस्ट मिले। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि हमारे पास ये डॉट्स आ गई इनके लेफ्ट, तो ये अनऑर्डर, इनका कोई ऑर्डर नहीं है। चाहे प्रोग्रामिंग, सपोज ये हम यहाँ से हटा के सेकंड नंबर पे कर दें। ठीक है, ऐसा भी, बट अनऑर्डर लिस्ट हमें तब काम आता है जब हमारे एक्चुअली लिस्ट का एक ऑर्डर हम डिफाइन नहीं कर रहे, हम बस बोल रहे कि एक अनऑर्डर्ड है, चाहे इट वी डोंट गिव एनी प्रायोरिटी इन द अनऑर्डर लिस्ट। या हमें ऐसा कोई भी हमारे पास, हमें एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, इमेज या कुछ भी, हमें जैसे वीडियो डिस्प्ले करने हैं, तो जहाँ पर हमें ऑर्डर, हम ऑर्डर पे कोई खास ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और भी कर सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट के साथ, जैसे ये यहाँ पर ये सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है, डॉट्स आ रहे हैं, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन यूज हियर टाइप, आई कैन से स्क्वायर। सो वेन आई यूज़ टाइप इज गोड स्क्वायर, तो इसका जो ये डॉट है, ये भाई सर्कुलर था, अब स्क्वायर में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी तरीके हैं करने के, अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना ही चाहेंगे। ठीक है, सर्कल, आई राइट सर्कल, तो यहाँ पर सर्कल्स आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। देन वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ लिस्ट दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्डर्ड लिस्ट। We have another list called as ordered. Okay. We have other types of list. मैन जब हमें एक लिस्ट का एक ऑर्डर दिखाना हो, ठीक है, तो लिस्ट, अगर इसी लिस्ट का, इसी जो हमारे पास है, ये लिस्ट ऑफ बुक्स है, सपोज हमारे पास लिस्ट ऑफ ये बुक्स थे, तो इनका हमें एक ऑर्डर दिखाना है। ठीक है, तो अगर हमें इनका ऑर्डर दिखाना है, वी हैव अनदर टाइप ऑफ लिस्ट कॉल्ड एज ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं ओएल से, और ओ एल फिर क्लोज करना होता है। तो अभी तक जो ये सारे लिस्ट से एल यू एल में आते थे अनऑर्डर्ड में, तो ऑर्डर्ड हमारे पास है ओ एल, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, बाकी मैंने और कुछ चेंज नहीं की, यू एल का टाइप चेंज किया फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका अनऑर्डर्ड। ठीक है, तो ऑर्डर्ड अब नेक्स्ट है ऑर्डर्ड ओ एल। ठीक है, तो जो ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर्ड 1 2 3 4। अब इनका एक ऑर्डर आ गया, अभी तो ऑर्डर नहीं थे, लेकिन इसका एक ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पर जो इसके साथ हम ट्विक्स कर सकते हैं, वी कैन हैव टाइप, सपोज आई हैव अ टाइप, मैं चाहता हूँ ये रोमन में आ जाए, कैपिटल रोमन में आ जाए, तो मैं इसमें कैपिटल रोमन से स्टार्ट करूँगा, तो ये सारे कैपिटल रोमन में आ गए। मैं चाहता हूँ कैपिटल स्मॉल रोमन में आए,
तो स्मॉल रोमन में आ गए। मैं चाहता हूँ नहीं ए बी सी डी हो, स्मॉल ए बी सी, तो ए से लिखूँगा, तो सेव इट, ओके, तो ए बी सी डी आ गया। ऐसे ही अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूँ तो कैपिटल ए बी सी डी आ गया, ठीक है। अगेन एक और चीज़ है यहाँ पे, हम स्टार्ट, सपोज स्टार्ट में करना चाहता हूँ 5 से, तो ये नंबर्स में आ जाएगा लेकिन स्टार्ट जो है 5 से हो गया, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट जो उसका 5, मैं चाहता हूँ ये स्टार्ट 5 से हो जाए, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग इसमें मैंने 5 दे दिया यहाँ पे, जैसे इस पर टाइप है एक प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी इसमें है स्टार्ट। तो स्टार्ट में क्या हो सकता है, मैं यहाँ से एक नंबर दे सकता हूँ जहाँ से मैं चाहता हूँ ये स्टार्ट हो जाए, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो ये दो तरह के लिस्ट है। हमारे पास एक और तरह का लिस्ट है जो कभी तो यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली ये दो यूज़ होते हैं, वो है अंदर टाइप डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन हम बोलते हैं किसी चीज़ की, फिर उसकी डिफिनीशन बोलते हैं। सपोज मुझे इसी यहाँ पर मैथ्स को अब डिफाइन करना है, ठीक है, अब मैथ्स की डिफिनीशन मुझे बोलनी है, तो वो उसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज़ होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें यूज़ होते हैं, बट वी हैव अनदर टाइप ऑफ लिस्ट आल्सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्शन लिस्ट।